आज इस वक्त मैं तख्त भाई बाजार में मौजूद हूँ। इंशाल्लाह इसका थोड़ा सेल भी करवाऊंगा आप लोगों को, और यहाँ के जो फूड है उसके बारे में परमिशन दे दूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए। कहते हैं कि इधर का यहाँ ही मशहूर है, हमने बड़ों से सुना है कि यहाँ दो भाई थे, जुड़वा भाई थे, बुद्ध मत वाले जो कंडरा थे तख्त भाई के, उधर के उधर उसका उसका तख्त था जगह, तो उधर के रहने वाले थे और वो दो भाई थे, इसलिए उसने इसका नाम तख्त भाई रखा कि भाई दोनों भाई का नाम आ जाए, ये तख्त दोनों भाई का हो जाए, दोनों की बादशाही थी ना। बुद्ध मत के जमाने की बात है, बुद्ध मत के जमाने की बात है, तो इसलिए तख्त भाई उस वक्त से बस तख्त भाई भी मशहूर हुआ है, उसी वजह से इसको तख्त भाई बोलते हैं। तख्त भाई, तख्त भाई। ओके चाचा, शुक्रिया। अच्छा अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी हाँ व्यूअर्स, मैं तख्त भाई बाजार में खड़ा हूँ और ये है सफदर रेस्टोरेंट। ये बहुत मशहूर कबाब है खैबर पख्तूनख्वा में। आइए देखते हैं उसका नज़ारा, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा। हमारे साथ रहिए। मशहूर कबाब ही है, मशहूर कबाब है बिल्कुल। पहले इसका दूसरा नाम था तख्त भाई चपली कबाब, अभी सब दर में चेंज हो गया। ओके, नज़रीन ये है तफ्तर चपली कबाब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में कतर से खाए जाते हैं। ये मशहूर भी है, दूर दराज से लोग इधर आ रहे हैं, जो खासकर जो मुसाफर लोग हैं और ज़्यादातर इधर आ रहे हैं। ये सफदर चपली कबाब तख्त भाई। रिक्वेस्ट होगा
اپنا نام؟ میرا نام حضرت گل. مینیجر ہے آپ اس ہوٹل کا؟ جی. کتنے سال سے یہ ہوٹل چل رہا ہے؟ یہ تقریباً 1935 سے. جی. 1935 مطلب یہ کہ بہت پرانے ہیں. بہت پرانے. آپ کا کتنا سال ہو گیا ادھر؟ ادھر میرا 5 سال ہو گیا. 5 سال. جی جی. کیا نام ہے ہوٹل کا؟ صفدر ہوٹل. صفدر ہوٹل مطلب یہ جو پہلے جو تخت بھائی چپلی کباب تھا وہ اس میں چینج ہو گیا؟ جی یہ تو پرانا ہے, ہم کو بھی یاد نہیں ہے. پہلے تھا چپلی, تخت بھائی چپلی کباب. تخت بھائی مشہور کباب. اوکے شکریہ.